ये उसने ड्रम रखे हुए ना, ड्रेसा बनाया हुआ यार नहीं, नहीं नहीं यार क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। इसको बोलना पकाए ना बस, हमें फास्ट नहीं चाहिए, हमें नहीं नहीं गिरते, बेफिक्र हैं आप। बैठा हूँ आगे और ये वीडियो मेरे घर वाले देखेंगे, मामू देखेंगे, मुझे गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, लेकिन वो बाद में पड़ेंगे, मैं अभी तो एंजॉय कर सकता हूँ ना। और ये सामने आप देखते हैं हुसैनी ब्रिज है। हाँ जी रबनवाज साहब, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा ये इतना लंबा ब्रिज कैसे जाएंगे चल के, पैदल और कैसे। तो नाजरीन ये अभी हम बीच में पहुंच चुके हैं, रबनवाज साहब वहीं से वापस भाग चुके हैं और हम तीनों जो है ना वो अभी। ये नाजरीन आप चेक करें, यहाँ पे आपको बड़े मजे का आर्किटेक्चर मिलेगा और ये बीच में लेक सी भी बनी हुई है, ये सारा ठंडा पानी जो है ना ग्लेशियर का आ रहा है। 400 साल पहले एक बादशाह ने, एक हुक्मरान ने अपने छोटा भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवा दिया था, जिंदा दफना दिया था। यार आप लोग देखें तो ये तकरीबन 1100 ईयर्स ओल्ड जो है विलेज है और ये जैसा ही था वैसा ही प्रिजर्व किया गया, कोई चेंजिंग नहीं है, ये बिल्डिंग्स तब की वैसी ही हैं। हाँ तो खबरती हूँ, फाइनली खाना हमारा आ चुका है। ये मेरे सामने है चॉप शोरो, ये यॉक और ये चिकन, और रमान साहब ने मंगाए थे दाल चावल, और जो था ना हमारा सूप जो है वो भी आ रहा है, वो बन रहा है। तो बस अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आपका इनटू अनदर वीडियो। और जैसे आप लोग पता है कि अभी हमने पार्ट वन ख़त्म किया, तो आज हम पार्ट टू ब्लॉग का शुरू कर रहे हैं। और अभी हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं आज़ाद लेक, सामने आपको लेक नज़र आ रही होगी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मजे की वीडियोस जो है हमारी मिलती रहें। तो बस अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके उतरते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या शुगर मेला है। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी नाजरीन, तो ये आप लोग सारा सीन चेक करें, ये है अताबाद। अभी जो दो खौफनाक टनल हम लोग गुजार कराए हैं ना, सही बात, दूसरी वाली और भी लंबी थी, तकरीबन ढाई मिनट गाड़ी चलती रही है 40-50 की स्पीड पे, वो टनल ढाई मिनट चली है। तो वहाँ हमने दुकानों के साथ हमने को वीडियो लगा ली, पिछले ब्लॉग के क्लिप देख रहे थे, हमने कहा ऐसी टाइम गुजरेगा। हारिस भाई तो बैठे हुए थे मस्त, इनको तो कुछ नहीं हुआ, हमारी हालत टाइट हो गई थी यार, होने वाला कुछ था ही नहीं, आप लोग डर गए हो ना यार। नहीं हारिस ऐसे नहीं होता, ये जितने आप वो पहाड़ देख रहे हो वो हम अंदर से क्रॉस करके अंदर से आए हैं, इतने लंबे लंबे टनल से। अभी चलते हैं नीचे लेक की तरफ और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे अल्तित फोर्ट, और फिर अगर टाइम बच गया हमारे पास तो करीमाबाद हमने जाना है, वहाँ से जो हुंजा का मतलब जो है ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो कुछ खाएँगे वहाँ जाके, तो देखेंगे क्या। अभी तो जो नाश्ता किया था ना वही नहीं, नीचे नहीं उतरा अभी तक, भूख नहीं है बिल्कुल भी। ये कोई यहाँ पर शॉप्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। एक तो ब्लेसिंग डिस गाइस ये है कि जैसे कि आप लोग पता है रास्ते बंद है, कल तक भी हुंजा का रास्ता बंद था तो आज ही खुला है, तो इतने टूरिस्ट वगैरह नहीं है, रश नहीं है बिल्कुल, तो ये अच्छा हो गया सीन। तो नाजरीन ये आप लोगों को शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे एंटीक वगैरह हैं, और सामने ही आपको याक नज़र आ रहा होगा। और पीछे आपको सारी लेक नज़र आ रही है, वहाँ पे बोट्स वगैरह भी हैं, और ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे आपको सारे ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये ड्रेसेस आप देखेंगे ट्रेडिशनल सारे, और ये अंदर भी शॉप्स हैं सामने, वो वहाँ पे एक आइबेक्स का उन्होंने बनाया हुआ है, और ये सीन है सारा। तो भैया इधर आए हम, अपने वहाँ साहब ने कहा कि उनको ग्लासेस लेनी है, तो वो ग्लास ले रहे हैं यहाँ से, और हम लोग फिर नीचे जाते हैं बोटिंग की तरफ। तो नाजरीन अभी हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं, ये सारे सामने यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं, क्या सीन है इसका। अब रब नवाज साहब को हम बैठाएंगे जेट्स की के ऊपर वो जब भी, और वो आप पता है अकेली वाली पे बैठेंगे। नहीं नहीं मैं तो अकेली पे नहीं बैठ नहीं यार, मज़ा आएगा, आप जाना कि आप ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं यार क्यों खतरनाक है, इसी का तो यही तो एडवेंचर है, क्यों आएगा यार, अल्लाह अल्लाह करें, शुभ शुभ बोलें आप। आप इस वाली पे बैठे ना सिंगल, ये जो है नहीं नहीं आपको लाइफ जैकेट पहनाते हैं इसमें बिठाते हैं। तो भाई अब चलते हैं रेट पता करते हैं क्या सीन है इसका, और अपने वहाँ सब बैठेंगे सिंगल वाली पर, हम बाकी सारे दूसरी वाली पे। इधर 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 ये नहीं है, ये
तो भाई अभी इनसे पता करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे लिख रहे हैं ये। जी दोस्त, फोर पर्सन हमारे पास दो है दोस्त, देखो चार सीटर है, क्या है मोटर बोट, ठीक है 20 मिनट की राइड होगी 3000, ये देखिए वाला 7 मिनट की राइड होगी 4000। नहीं ऊपर जो मोटर बोट, ये सामने वाली है मोटर बोट? नहीं नहीं, मोटर बोट कौन सी बोट है? अच्छा मोटर बोट बराबर में वो जो उधर खड़ी हुई है, ठीक है। ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, हाँ हाँ ये नहीं है बोट ना, तीसरे नंबर से क्या सीटर 20 मिनट की राइड। तो भाई हमने डन कर लिया, वही फास्ट वाली हमने किया, अब उसमें स्लोप वगैरह इस पर इधर आया कि एडवेंचर भी हो जाएगा। तो फास्ट वाली 4 सीटर है, 10 मिनट की राइड है और 4000 रुपये जो है वो उसका रेट है। तो अभी चल रहे हैं आगे, उन्होंने 10 मिनट बताया है, 20 मिनट लिखा। नहीं नहीं वो 20 मिनट उस वाली का, 10 मिनट है ना, 7 मिनट अभी, वो भाई तो कहते हैं 10 मिनट है, मजा नहीं आ रहा है। ये उसने ड्रम रखे हुए ना, रिक्शा बनाया हुआ यार नहीं, नहीं यार क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता, इसको बोलना पकाए ना बस, हमें फास्ट नहीं चाहिए, हमें नहीं नहीं गिरते, बेफिक्र हैं आप, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं ना, आप टेंशन ना लें, जैकेट्स वगैरह देंगे, आप कहीं नहीं जाते, बेफिक्र रहें। ये पकड़ आरिस भैया उधर खड़े हो गए, फिर उनका फ़ोन आ गया। तो भाई मैंने जैकेट पहन के रेडी हो चुके हैं, अभी चलते हैं बोट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो राइट भाई हमारी हो चुकी है शुरू, आप लोग पानी चेक करें यार, कितना बेहतरीन ब्लू ब्लू पानी है, वो ठंडा यार। अभी मैं आके बैठा हूँ आगे, और ये वीडियो मेरे घर वाले देखेंगे, मामू देखेंगे, मुझे गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, लेकिन वो बाद में पड़ेंगे, मैं अभी तो एंजॉय कर सकता हूँ ना। पीछे इब्राहिम साहब भी, इब्राहिम साहब भी खड़े, साहब की सांसें आ रही है, ये लोग चेक करें आगे, मैं आगे आगे बैठ गया हूँ, एंजॉय कर रहे हैं यार, मतलब क्या नहीं कि सफर हमने किया है, इतना नींद भी पूरी रात रहने की, पैसे पूरे हो गए हैं। आप लोग चेक करें, तो नाजरीन ये आप लोग ब्लू ब्लू पानी चेक करें, बेहतरीन। पैसे पूरे हो गए जी भाई, 5 रुपए को और नहीं घुमाते हमें हाँ भाई कैसी रही राइड फिर हाँ जी, आप तो बैठ नहीं रहे थे, मजा आया ना फिर, मैं जितना डर रहा था कुछ बेहतरीन। हाँ जी आरिस भाई कैसा, ये तो हमारा है ना अभी हाँ ये अब आपका, ये आप लेके जा सकते हैं, 4000 रुपये दिए नहीं हमारे
ये आपने टनल में बहन के जाना है। हाँ, वो टनल पे जो हमारा सांस रुकता है ना, उधर हम ये पहनेंगे। अरे भाई 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 तो भाई वहाँ से हम लोग आ चुके हैं वापस वापस गाड़ी की तरफ, गाड़ी निकालते हैं। ये एक शॉप है, इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या क्या सीन है। ये अंदर ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो लगे हुए हैं, शॉल्स वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, और ये कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये सामने आपका भाई। तो भाई फाइनली बैठ के यहाँ से हम निकल रहे हैं। चलो जी, अब सीन ये है कि हमारा प्लान बना है, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से ना 20 मिनट के फासले पे आगे हुसैनी ब्रिज है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो उसके बाद उन्होंने ऊपर बताइए कि हुसैनी ब्रिज से 5 मिनट ऊपर जाएंगे ना आप, तो क्या कौन सी लेक थी, क्या नाम था? छः दफ़ा पूछा भूल जाता है, वहाँ यार ऊपर से लेक थी नाम, अभी 2 मिनट पहले पूछा बंदे से मेरा नाम, मुझे भूल गया। तो बस जहाँ जब दस ही निकलते हैं वो देख के, और हमने वहाँ पर जाना है अल्तेफ फोर्ट उधर करीमाबाद में, तो बस पहुँचते हैं। A few moments later. तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और एग्जैक्टली कोई 15 से 20 मिनट ही मिला, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी है, और यहाँ से फिर नीचे वो पैदल का रास्ता है हुसैनी ब्रिज की तरफ। हाँ, कहाँ से रास्ता है? ब्रिज तो उस साइड पे नहीं है, उधर नीचे वो पीछे वहाँ पे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम सर, ये किधर से रास्ता है इसका ब्रिज का? ये यहाँ से सर। तो यहाँ से कहाँ पे जा रहा है रास्ता? ये जाके वहाँ से यू टर्न होना है। अच्छा, उधर नीचे फिर उधर आगे बोर्ड लगी है, लगे ना गाड़ी अलाउ नहीं है। अच्छा, अलाउ नहीं। कितना टाइम लगेगा? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट लगेंगे। और वो जो एक लेक यहाँ पे थी, क्या नाम है उसका ऊपर? बोरित लेक। बोरित लेक, उसका भी वहीं से रास्ता आगे? नहीं नहीं नहीं, वो ये जो दो पहाड़ है ना, हाँ ये छोटा और वो बड़ा, हाँ, इनके दरमियान में तो बस गाड़ी जाती है। हाँ, ये चढ़ाई से जब आप ऊपर निकलोगे ना, हाँ, वो रास्ता आपको नजर आएगा। अच्छा, लेक का ठीक है, वो पहाड़ के एंड में जाके अपने लेफ्ट को ठीक गाड़ी जाती है। तो भाई ये आप थोड़ा सा वहाँ से आगे आएंगे तो आपको दो बोर्ड नजर आ जाएंगे, यहाँ से राइट जो है रास्ता आगे जा रहा है। ये वो है कीवी, हो गया। कितने का टिकट है? ये 100 रुपीज का है, 4% का, 400। चलो नाज़रीन, ये आप लोग चेक करें, ये जो खुबानी है वो सूख रही है यहाँ पे, और अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग तकरीबन 10 मिनट का वॉक था वो करके हम लोग आ गए हैं नीचे, और ये सामने आपको देखते हैं हुसैनी ब्रिज है। हाँ जी रबनवाज साहब, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा ये इतना लंबा ब्रिज कैसे जाएंगे चल के पैदल, और कैसे यार, देखें औरतें चली गई, आप तो चले ही जाएंगे, क्या हो गया, हिम्मत करें, कोई नहीं, खैर है। तो नाज़रीन यहाँ से भी जैकेट पहन के हम लाके चलते हैं, वो कह रहे हैं कि फ़ोन वगैरह आपको ना निकालना, क्योंकि गिरने का डर है, तो गिर सकता है, और खिलाना नहीं, ज़्यादा आराम से जाना, तो बस ये पहन के और फिर हम स्लोली स्लोली, हाँ हाँ ठीक है, वापस आके उतारे हैं अब एक ही दफ़ा यहाँ पे। बस चार है, हाँ चार लोग हैं हम लोग। चलो भाई रेडी हम हो चुके हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। चलो चलो भाई रनवास आप लीड करेंगे, मैं आप लीड यार आप करें, मैं तो कहता हूँ भाईजान आप करें, बस फोन अभी अंदर रखते हैं और वहाँ पार जाके आपसे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन ये अभी हम बीच में पहुँच चुके हैं, रब नवाज साहब वहीं से वापस भाग चुके हैं, और हम तीनों जो है ना वो अभी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं बीच में, और जो है ना ब्रिज पूरी हिल रही है, और यहाँ मैंने इसलिए फ़ोन निकाला, मैंने कहा नीचे मट्टी है, खुदा ना खासा अल्लाह ना कर कुछ हो सके तो मट्टी भी गिरेगा, तो बस ये है। चले भाई आगे आगे हम अब जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यार इस भाई आज ना डरें यार, आप अपने टनल में सुना रहे थे बातें कि सारा दिमाग का खेल होता है, अब बोलें मैं जा रहा हूँ, क्या बात है जियो। 2000 years later.
तो खवातीन हज़रात, फाइनली एक एंड पे हम जो है वो अलग अलग करके पहुंच चुके हैं। हाँ जी भैया, आरिज भी बताएं क्या अपडेट है। बिल्कुल ओके अब साहब आप बताएं। अपडेट बहुत छोटी लेकिन छोटी छोटी दिल वाले को हाँ वो ना है बराए मेहरबानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर दे अपडेट। आप आए नहीं बीच में, आप आते वापस हो गए यार। ये तो जाती है कहीं नहीं यार, हम गए इतना कुछ भी नहीं था, आसान था। शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है फील, लेकिन आगे तो जाना है बिल्कुल। उनको पकड़ना मुश्किल था यार। औरतें आ गई, आप नहीं है यार, गजब बेइज्जती है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अब देखें, अब ये कैंप में लोग वीडियो देखेंगे और क्या कहेंगे, सीएम साहब जा नहीं पाए। सीने चेक करो, बाकी तो चले जी, उसको देखो वो अभी तक अभी होश आवाज में थोड़ा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे भाई पहुंचे के ऊपर, यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, हमारा सब गाड़ी लेके आ रहे हैं और यहाँ से रास्ता जाके थोड़ा सा ऊपर, और एक उन्होंने कहा कि पतला सा रोड है वो ऊपर जाता है, और एक 10 मिनट के रास्ते आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस वो लेक देख कर, और अब टेंशन वाली बात ये है कि ना मेरे फ़ोन की हो रही चार्जिंग लाइट, तो अब ये है कि ये करके सारा कुछ और पहुँचते हैं करीमाबाद। तो अलते जहाँ से मैं देखूँगा कहीं अगर थोड़ा सा हमें 5-10 मिनट मिल गया ना तो प्लग करके थोड़ी चार्जिंग कर लूँगा, तो ये है कि ब्लॉग फिर कम्प्लीट हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, बाकी अब यही सीन है, गाड़ी आती है और आगे चलते हैं। तो भाई बैठते हैं गाड़ी में, आगे चलते हैं। और नाज़रीन ये जो आप नज़र आ रहे हैं ना, ये पास कौन सा है, तो मतलब यहाँ से घूम जाएंगे तो उस साइड फ्रंट ज़्यादा नज़र आती हैं, बट ये है कि यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू आ रहा है। तो बस अभी बैठते हैं गाड़ी में और आगे चलते हैं। तो नाज़रीन ये आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये बोर्ड मिल जाएगा बोरित लेक का, और ये रास्ता जो है वो ऊपर जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने, कुस्टर भी जा रही है, और अब चलते हैं सामने ऊपर। नाज़रीन वो सामने आप चेक करें, बेहतरीन से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ धूप में चमक रहे हैं, क्या बेहतरीन सा नज़ारा है। तो नाज़रीन लेक हो चुकी है शुरू, मतलब बेहतरीन खूबसूरत, आप देखें ना सूरज पड़ रहा है, चमक रही है लेक, और वो लोग वहाँ पर स्विमिंग भी कर रहे हैं सामने जैसा नीचे आ रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और ये सामने आपके बेहतरीन खूबसूरत सी लेक। A few moments later. तो नाज़रीन अभी हम लोग के रास्ते में यहाँ रुके थे, यहाँ पे खुबानी का ऊपर बाग है, ये ताज़ी ताज़ी अभी दरख्त से तोड़ी है, वो सामने ऊपर बाग है, और लोग भी वहाँ पर खा रहे हैं, तो ये खाते हैं अभी। कैसा जाएगा इसका, कुछ मुख्तलिफ है वहाँ से जो बाजार से मिलती है वैसा ही है, खा के चेक करते हैं। मज़ेदार, ये भी दरख्त सारे वो भी दरख्त हैं। तो नाज़रीन ये हम लोग वापस पहुँच चुके हैं यहाँ से ऊपर, जो करीमाबाद रास्ता जा रहा है, मतलब अगर आप लोग इस साइड से जा रहे होंगे ना उंजा की तरफ, तो ये जो कट है ये ऊपर ये जा रहा है करीमाबाद, और जो नीचे जो है ना ये रास्ता जाता है आताबाद लेक और आगे, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अलतीत फोर्ट यहाँ पे 2.7 किलोमीटर है यहाँ से, तो करीमाबाद भी इधर है, तो अब हम सीधा यहाँ से जाएंगे अलतीत फोर्ट। तो नाज़रीन ये भी हम लोग वहाँ से अंदर आ चुके हैं, तो क्योंकि हमें 5-7 मिनट हो गए हम जा रहे हैं, तक वो कह रहे हैं बस आने वाले आगे जो है अलतीत फोर्ट, पार्किंग आगे ही है, यहाँ पर लोगों ने वैसे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं बट पार्किंग जो है वो आगे। तो भाई ये इंटरेस्ट है फोर्ट की, ये समर उसकी टेजर लिखी है, टाइमिंग भी लिखी है समर विंटर्स की, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ये यहाँ से अंदर रास्ता है, गाड़ी की पार्किंग की है यहाँ पे अंदर सामने वाली पार्किंग में, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। और टाइम तकरीबन हो चुका है 4 बज गए हैं, और बैटरी भी तकरीबन एंड हो चुकी है, मतलब अब मेरी यही कोशिश है कि यहाँ की बना के ना, तो जब उधर बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ अगर कहीं लाइट हुई तो थोड़ी देर चार्जिंग कर लेंगे, और देखेंगे क्या सीन है। अभी चलते हैं यहाँ पर, ये नाज़रीन आप लोग चेक करें सामने दरख्त पे अखरोट लगे हुए हैं, ये ग्रीन ग्रीन सारे ये जो लगे हुए हैं, इसके अंदर जो होता है वो फिर उसका जो होता है ये ऊपर से छिलका उतर जाता है इसके अंदर होता है। तो नाज़रीन ये भी आप लोग देख सकते हैं हम अंदर जा चुके हैं, और यहाँ पे हैं सारी शॉप्स वगैरह, ये नाज़रीन आप चेक करें यहाँ पे आपको बड़े मज़े का आर्किटेक्चर मिलेगा, और ये बीच में लेक से भी बनी हुई है, ये सारा ठंडा पानी जो है ना ग्लेशियर का आ रहा है, और ये
ठीक है सर। तो भाई यहाँ से मैंने टिकट परचेज कर लिया, 600 का जो है वो पर पर्सन का टिकट है। ये टिकट लेने के बाद यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे फोर्ट की तरफ। एक तो हारिस भाई आपको हर जगह पे वॉशरूम याद आ जाता है यार। आपने ट्रिप में 150 दफा रुकवाया वॉशरूम के लिए। ये आप लोग चेक करें, मतलब सारा जो है ये फोर्ट जो था ना उसके अंदर गहरी है, मतलब बहुत खूबसूरत बेहतरीन किस्म की ना, मतलब बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। जो अंदर जो शॉप्स बनी हुई थी और लोग रह रहे थे उनमें, बीच में उनका स्विमिंग पूल सा बना हुआ था, तो बहुत प्यारी जगह। मतलब पैसे वसूल हैं यहाँ आने के। ये सारा गार्डन है यहाँ पे, पीछे भी उन्होंने बनाए थे बहुत खूबसूरत छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो नाज़रीन यहाँ से भी अल्तुत फोर्ट ऊपर जा रहा है। चलें चलें अब सुकून एक ही बार ऊपर जा के करेंगे। ये ऊपर देखें लोग पैराग्लाइडिंग वहाँ से करते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे ये अंगूर लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत ही कच्चे हैं। ये वेटिंग एरिया यहाँ वेट करते हैं और फिर वो जब फिर आगे से साथ ही जाएंगे। ये आप लोग यहाँ से व्यू चेक करें, बेहतरीन। बस मेरे को एक ही टेंशन है कि जो बैटरी है ना वो ख़त्म होने वाली है, तो वह नहीं ख़त्म होनी चाहिए, सारा हमारा ब्लॉग कम्प्लीट होना चाहिए यहाँ का। सो भाई फाइनली अभी अंकल के साथ हम लोग जा रहे हैं ऊपर, अंकल में बताएंगे कि क्या सीन है इसका सारा। इंतहा शॉर्ट है, दिल्ली को क्रॉस करते वक्त अपना सर का ख्याल रखे, डॉल्फिन लो हाइटेड वाच, अपने सर वजह के अंदर आना, अंदर आते हो अपने सर को नीचे करके, क्योंकि दरवाजे इंतहा छोटे 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 हैं। ठीक है अबरार साहब सुन लिए ना आपने, सर बचाने आपने अपना। चलो भाई तो ये हम इंटर हो रहे हैं फोर्ट के अंदर, थोड़ा सा अंदर ठंडक फील करेंगे। इट्स वे कूलर देन आउटसाइड। यस आवाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप सब मुअज्जिज़ों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर मोस्ट वेलकम टू आर्टी पार्ट, डिस्टिंग्विश गेस्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस वक्त आर्टी पार्ट पे, ये आर्टी पार्ट जो कि 1100 साल पुराना फोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, और आपके लिए खास चीज है। ये क्या है गौर से सुनिए, ये कोई छत के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, न कि ये कोई चिमनी है। इसको हम लोग खड़ी कब्र कहते, खड़ा मकबरा तो कहा जाते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सो यहाँ पर आज से 400 साल पहले एक बादशाह ने, एक हुक्मरान ने अपने छोटा भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवा दिया था, जिंदा दफना दिया था। तो ये वाकर उन्वा हुआ था 400 साल पहले। मोस्ट रिसेंटली जब 2009 में रेनोवेशन के दौरान जब इसका एक्सरे और स्कैनिंग किया तो तब कंफर्म हुआ उस प्रिंस का स्केलेटन, उसका ढांचा, उसकी कुछ हड्डियां अभी तक सिटी एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे कहने का चलिए भाई आप लोगों ने जैसे सुन लिया फर्स्ट रूम की सारी हिस्ट्री और सारी बातें, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड रूम के अंदर। और प्रिजन हुआ करता था, जिंदान या जेल, कैद खाना, तो कहाँ जो यहाँ पर सिटी के खिलाफ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एक और रूम के अंदर। तो दिस वाज लिविंग रूम ऑफ किंग एंड क्वीन, ये राजा और रानी का कमरा हुआ करता था। इस सिटी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई हैंगर नहीं, कपड़े टांगने के लिए, इसको कहते हैं सनडाइल। सनडाइल का मतलब सन क्लॉक, सन क्लॉक वॉल क्लॉक, एंशिएंट वॉल। उस समय कदीम जमाने के लोग अपना वक्त कैसे मालूम करते, हाउ लोग के छोटे होते थे, उन लोगों ने दरवाजे छोटे क्यों बनाया था,
इसका मेन लॉजिक ये है कि एक सिक्योरिटी रीजन, इसमें कुछ दुश्मन कोई हमलावर अंदर आने की कोशिश करे तो उसको पहली बार इंटर होते हुए अपने सर को झुकाना पड़े, जो अंदर वाला गार्ड होता सिक्योरिटी गार्ड उसको आसानी हो जाए उसको सर को काम करने आप चेक करें तो वो सामने आपको बलते फोड़ नजर आ रहा होगा, वो जो था वो समर पैलेस था, समर में जो थे प्रिंस वो वहाँ रहते थे और ये जो उनका विंटर था वो यहाँ पे रहते थे। ये नीचे जम सारा जो होकर आए हैं ना ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो नाज़रीन अभी हम देखने जा रहे हैं फांसी घाट जो है यहाँ का, और फ़ोन की बैटरी रहेगी 1%, तो अब जब तक चल रहे तो चल रहे, जब बंद हो गया तो बंद हो गया। फिर रिवर के किनारे से लेकर यहाँ तक जो हाइट बताया जाता है 300 मीटर है। तो नाज़रीन ये हुंजा की जो है पहली इबादत गाह है इस्लाम के आने से पहले पहले, ये नाज़रीन आप लोग देखें इसका सूप बनाया जाएगा और अच्छा इसका जूस बनाया जाएगा। ये अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 1100 ईयर्स ओल्ड जो है विलेज है और ये जैसा ही था वैसा ही प्रिजर्व किया गया, कोई चेंजिंग नहीं है, ये बिल्डिंग्स तब की वैसी ही हैं। तो नाज़रीन अभी आ चुके हैं नीचे वापस, यहाँ लेक से हमने सफ़र शुरू किया था, फ़ोन की चार्जिंग अभी भी 1% है, तो मैं अभी यहाँ देखते लोगों चार्जर गाड़ी चलकर लगाता हूँ। तो ये था छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बना ली, मैंने जितना हो सकता मैं कवर कर लूँ फोर्ड भी, तो अभी चेक करूँ कैमरा चल रहा है चल रहा है, तो बस थोड़ा सा फ़ोन में चार्ज करता हूँ फिर आगे चलते हैं करीमाबाद। ये आप लोग चेक कर, मुझे तो ये वो फोर्ट भी मज़े का था बट ये नीचे भी जगह थी ना ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी है। ये सारे जो है ना 1100 ईयर्स ओल्ड सारी है, ये यहाँ पे घर स्ट्रक्चर चीज़ें बनी हुई हैं और ये इनका स्विमिंग पूल है। 10 minutes later तो नाज़रीन थोड़ा बहुत फ़ोन जो है वो चार्ज हो चुका है और यहाँ से अब जा रहे हैं हम करीमाबाद, वहाँ खाना खाएँगे। ये एक शॉप है यहाँ से हमने ना इधर अब रब नवाज साहब ने ना कुछ जैम की लगता दुकान खोलनी है, एक पहले वहाँ से ली है 3 और लेनी है घर के लिए। हाँ मैं भी सोचूँ ले लूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये फिक्स की है, एप्रिकॉट है, चेरी, मलबरी। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ ये चेरी वाली जैम ले जाता हूँ घर जाके ट्राई करेंगे इसको ये कैसी है, तो ये छोटी वाली बॉटल इसकी ले लेते हैं। तो ये कितने की है ये वाली जी 250। तो नाज़रीन आप लोग अगर जब वहाँ से आएंगे ना फ्रेंड से तो इधर जो है ये अल्तिस फोर्ट जा रहा है ये चौक से आएगा और इससे लेफ्ट जो है ये जा रहा है करीमाबाद, और हम लोग जा रहे हैं करीमाबाद। तो नाज़रीन ये भी शुरू हो चुका है करीमाबाद बाज़ार, आपको राइट और लेफ्ट पे होटल्स और शॉप्स वगैरह सारी नज़र आ रही होंगी। तो नाज़रीन ये एक रास्ता ऊपर जा रहा था, अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर और ऊपर हैवी किस्म की चढ़ाई है, ये दोनों तरफ से शॉप्स हैं और ये रास्ता ऊपर जा रहा है, 4x4 हमने लगाया है ताकि गाड़ी बेहतरीन से ऊपर जा चली जाए। और अब जो आप जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है लाल शहजादी का, ये आ गया हमजा फूड पवेलियन लाल शहजादी, तो यहाँ पे अभी हम लोग आए खाना खाते हैं गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं। और हम पहले वहाँ पे जो आप रुके थे ना जो आपको मैंने शुरू में दिखाई थी फ्रूट्स के लिए हम रुके थे उस और भी हमें यही बता रहा था, तो बस गाड़ी खड़ी करके। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है उनका रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी चलते हैं बैठते हैं खाना ऑर्डर करते हैं। बहुत खूबसूरत सा बाजार था जिसमें आए ना रास्ता भी बड़े मज़े का था, तो यहाँ भी चलते हैं अंदर। तो नाज़रीन जब हम ब्लॉग के अंदर बैठे हैं और ये उन्होंने हमें मेन्यू दिया है, सर मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ समझ तो आपको भी शायद ना ही आए, ये तो सिंपल है यहाँ पे वॉलनट टी है, मिक्स वैरायटी है। जो हमने ऑर्डर किया ना मैं आपको बताता हूँ, एक हमने ये वाला जो सूप है ये ऑर्डर किया है, अब इसका नाम पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आएगा उसी से पूछ लेंगे। फिर हमने चॉप शोरूम मंगाया है एक चिकन, 2 यॉक, और जनाब ने मंगाया है क्या वो क्या है किधर है दाल चावल वो हैं किधर उसमें ये मंगवाओ यार याक का ये याक का पता नहीं ये चौपे खम, चलो उसको बुलाते हैं उसे पूछते हैं ये क्या सीन है इसका इसका, बाकी मैन्यू आप लोग सारा देख सकते हैं। ये वाला चलो वो आता है उससे मंगवा लेते हैं, टेस्ट तो करना है ना बाकी फिर अब जब खाना आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ टेस्ट वगैरह कैसा और सारा चेक करते हैं। हाँ तो खबर दिया जरूरत फाइनली खाना हमारा आ चुका है, ये मेरे सामने है चॉप शोरूम, ये यॉक और ये चिकन कर लो। और रवा साहब ने मंगाए थे दाल चावल और जो था ना हमारा सूप जो है वो भी आ रहा है वो बन रहा है।
तो बस अभी ये खाते हैं और मैं आपको बताता हूँ उसका टेस्ट कैसे। आपने ऊपर चिकन, ये ऊपर चिकन वाला रखा है, पहले याक वाला, पहले याक वाला टेस्ट करेंगे फिर चिकन वाला। वो भी यही कहता यहाँ आके, आप यहाँ भी आके चिकन खाएंगे तो क्या फ़ायदा। चिकन वाला कौन सा है? बेहतरीन मजे का। हारिस भाई कैसा? बेहतरीन है ना? हाँ जी ब्रदर साहब कैसा? बहुत मज़ेदार है सर, तो भूख लगी है। हाँ शुक्र है, उस टाइम नहीं खा रहा, भूख भी नहीं थी, अभी भूख भी शदीद लगी हुई है। तो बस हम अपना खाना इंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये जो हमने एक सूप मंगाया था, इसका नाम पता नहीं क्या था, वहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, मुझे भूल गया। तो इस सूप को करते हैं ट्राई, ये कैसे ट्राई करो। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ये गर्म है, राम का सिस्टम है। देसी घी डाला हुआ, मजा नहीं आ रहा है, बड़ा एक डिफरेंट सा टेस्ट है। हाँ तो भाई खाना हमने खा लिया और यहाँ पे अभी हम एक और हमें जैम की शॉप नजर आई है, वो जो जैम हमने लिया था वहाँ से मैंने खोल के चेक किया, तो मैंने कहा चेक कर ले तो अच्छा हुआ, तो यहीं से और ले लूँगा। तो हमने चेक किया, वो बड़ा बेहतरीन किस्म का था। फिर हमें एक और शॉप नजर आई है, तो यहाँ से देखते हैं अगर यहाँ पे भी आए तो यहाँ से भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये जी, ये पड़ी हुई जैम्स, ये पड़ी हुई छोटी ऊपर, छोटी पड़ी। तो भाई जैम्स का पूरा दुकान हमने खरीद लिया और गाड़ी वहाँ से ऊपर आ रही है, मैं राजस्थान नीचे पैदल पैदल जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा दुकानों का नज़ारा कर लें। अब शाम भी हो चुकी है, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, वो ऊपर चांद, और बस अभी निकलते हैं वापस चिलास के लिए। टिटी टिटी रवा है।